नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, जो लोग भी परिवार को लेकर के खुश ना हो, परिवार में बिना वजह की कलह रहती हो, बिना वजह के लड़ाई झगड़े हो जाते हो, आपके ऊपर बार बार पुलिस केस हो जाता हो, कोर्ट कचहरी के मामले में यदि फंसे हुए हैं, शादी ब्याह के योग नहीं बन रहे हैं, विलंब हो रहा है, जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, इन सब कामों के लिए एक बहुत जरूरी चीज है और वो है मंगल का मजबूत होना। जिस व्यक्ति के मंगल मजबूत होते हैं, वो व्यक्ति ढेरों प्रॉपर्टी का, मिलकत का मालिक बनता है और उसकी मिलकत कभी कोई दूसरा व्यक्ति अपने अंडर में नहीं ले पाता। गलत तरीके से किसी की मिलकत को ले लेना, खाली नहीं करना, ये तमाम चीजें तब होती है जब मंगल कमजोर होता है। घर के ही व्यक्ति, घर के बाहर के व्यक्ति कितनी बार आपको पुलिस केस में फंसा देंगे, आपके ऊपर कोर्ट में कितने केस चल रहे होंगे, कितनी बार आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, बट सडनली आपका दिमाग अपना आपा खो देगा और आप लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे। जब जब मंगल आपको तकलीफ देगा, तब तक लाइफ में उथल पाथल मच जाती है। इसको उतना उथल पुथल मच जाना, मंगल का ग्रह बहुत जबरदस्त है, एक जगह टिकता नहीं है। मंगल देव एकदम उग्र, जिनको भी दोस्तों मंगल की तकलीफ है, उन्हें हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए और हनुमान जी की सेवा पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। लाल रंग के कपड़े पहनने से मंगल ठंडे रहते हैं। लाल रंग मंगल देव का कलर है। और मंगलवार के दिन एक छोटा सा काम जरूर करें, मिट्टी के बर्तन में थोड़े से गेहूं रख लें, उसमें आप एक कनेर का फूल डाल दें, एक डाल दें, या अगर नौ डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर जितनी आपकी शक्ति हो आप उसमें कनेर का फूल डाल दें, जरा सा सरसों का तेल डाल दें, गुड़ रख दें, थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ का रख दें। इन तमाम चीजों को रख करके आप अपने घर की छत पर जाएं और छत के ऊपर आप इन तमाम चीजों को रख दें। जो लोग फ्लैट में रहते हैं और यदि उनका मकान टॉप फ्लोर का है तो वो लोग भी छत पर रख सकते हैं, यदि टॉप फ्लोर का नहीं है तो घर के अंदर ही छत में टांग दें, ठीक है, किसी तरीके से छत में पूरे दिन उसको टंगा रहने दें। संध्या समय आप उसको उतार लें या दूसरे दिन सुबह आप इन तमाम चीजों को उतार लें और या तो पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से मंगल से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। यदि आपको ऐसा लगता है एक बार करने से मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप उसको रिपीट करो। जैसे ही आपने इसको दो चार बार रिपीट किया, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। करके देखिए इस उपाय को, उपाय को करते रहे और खुश रहे। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। जय श्री कृष्ण।